वेलकम व्यूअर, इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था हमारा पहला प्रोजेक्ट जो था रिएक्ट प्रैक्टिस प्रोजेक्ट चैलेंज 1। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वो जो चैलेंज प्रोजेक्ट था उसको हम कस्टम डिजाइन देने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इनलाइन सीएसएस। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी प्रोजेक्ट की आउटपुट क्या थी लास्ट वीडियो की। तो ये थी कि हमने एक काउंटर स्टेट क्रिएट किया था जिसमें हमारे पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 थी, एंड हमारे पास दो बटन था इंक्रीमेंट करने के लिए उस वैल्यू को एंड डिक्रीमेंट करने के लिए। जब हम इंक्रीमेंट पे क्लिक करते थे तो बाय 1 इंक्रीमेंट हो रही थी वैल्यू, जब हम डिक्रीमेंट करते थे तो बाय 1 डिक्रीमेंट हो रही थी वैल्यू। नाउ आज के वीडियो में इसे कस्टम डिजाइन देने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इनलाइन सीएसएस। गिव मी योर 5 मिनट, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू यूज इनलाइन सीएसएस। सो दिस इज एंड यू आर वॉचिंग चेक टू लर्न। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ अब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं, एंड अगर मैं बात करूँ H1 टैग को डिजाइन करने की, जो हमें हमारा क्या कर रहा है काउंटर को प्रिंट कर रहा है। जो काउंटर क्या है बेसिकली, ये वैल्यू जो आपको यहाँ पे दिख रहा है -4 या फिर 0 जो भी कर रहे हो आप, अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये 0 आएगा। ये हमारे H1 टैग से प्रिंट हो रहा है। नाउ इस H1 टैग के अंदर हमारे पास क्या है कि बेसिकली हम इसमें स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। इनलाइन सीएसएस को ऐड करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी जेएसएक्स की टैग के अंदर या फिर एलिमेंट के अंदर, स्टाइल प्रॉपर्टी। नाउ उस स्टाइल प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसे इक्वल टू असाइन करते हैं विद कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस से मैंने इसको रैप कर दिया। अब इसके अंदर हमें क्या पास करना है, एक ऑब्जेक्ट को। स्टाइल हमेशा एक ऑब्जेक्ट को पास अपने अंदर लेता है जो आपकी डिज़ाइन को रिफ्लेक्ट करता है। सिंपली उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट पास करने वाले हैं, और उसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो कलर एट्रीब्यूट है या फिर कलर प्रॉपर्टी है उसे आप पास कर दो इस H1 टैग को। तो कलर यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, मैं सिंपली यहाँ पे रेड पास करता हूँ, इसे मैं सेव करता हूँ। लेट मी शो यू। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो गई, रेड हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे इसे कंट्रोल शिफ्ट आई इंस्पेक्ट करता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, तो कंसोल, लेट मी इंस्पेक्टर के अंदर, और चलते हैं अपने H1 टैग को इंस्पेक्ट करने के लिए। मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, जब आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि H1 टैग के अंदर स्टाइल ऐड हो रहा है कलर रेड। ये हमारे HTML में रिफ्लेक्ट कर रहा है कलर रेड को। तो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को एंड वो हमारा कलर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नॉट ओनली कलर, हम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मैं कलर के अलावा बात करूँ तो यहाँ पे हम पास कर सकते हैं फॉन्ट साइज जो हमारी कैमल केस में होती है यहाँ पे, एंड उसमें हम क्या पास करने वाले हैं, पास था 40 पिक्सल। सेव दिस एंड लेट्स सी, जो हमारी साइज है वो इंक्रीज हो चुका है आप देख सकते हो। तो ऐसे हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं। नाउ अब क्या करने वाले हम, जो हमारा ये बटन है उसको हम क्या करें, कस्टम डिज़ाइन देने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इनलाइन सीएसएस। तो इसके अंदर भी हमारे पास एट्रीब्यूट, हमारे पास सभी जेएसएक्स एलिमेंट के पास स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। तो सिंपली यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं स्टाइल प्रॉपर्टी, एंड उसके अंदर हम पास करने वाले हैं ऑब्जेक्ट को। तो लेट मी पास द ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे हम पास करने वाले बैकग्राउंड। इसकी बैकग्राउंड कलर को हम क्या कहते हैं, हम ग्रीन ऐड करें, और इसकी फॉन्ट साइज को हम कर देते हैं सिंपली 32 पिक्सल। एंड देन इसके कलर को हम क्या करेंगे, कलर वाइट कर देते हैं। जितना चाहो आप उतना प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हो किसी भी एलिमेंट में। तो मैं यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज के अंदर ऐड कर रहा हूँ, कलर, बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट साइज। तो कलर में क्या कहता हूँ कि यहाँ पे इसकी कलर को आप वाइट कर दो, एंड सिंपली इसे सेव कर रहा हूँ। आगे दिखाऊँ इसकी आउटपुट में, तो देख सकते हो आप हमारा जो ये इंक्रीमेंट वाला वैल्यू है काफ़ी इंक्रीज हो चुका है साइज में, और यहाँ से हमारा वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया। ये प्रॉपर्टी को, सेम प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हमारे, लेट मी कॉपी दिस, एंड हमारे दूसरे बटन के अंदर। तो हमने पेस्ट किया, और इसकी जो हमारे पास ग्रीन कलर है इसको अभी अभी ग्रीन ही रहने देते हैं और सेव करते हैं। तो यहाँ पे भी ये भी डिज़ाइन क्या हो चुका है हमारा, ग्रीन। तो प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है ग्रीन, और जो बटन दूसरा है डिक्रीमेंट करने वाला वो भी हमारा ग्रीन हो चुका है। बट ये एक सिंपल वे नहीं है कि अगर हम अपने जेएसएक्स के अंदर जो हमारा टैग है उसके अंदर ऐसे हम पास करेंगे तो हम काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं हमारे लिए कि हमारी लाइन ऑफ कोड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली इन सब को हम एज अ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि H1 स्टाइल के लिए एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ। तो आपके फंक्शन के अंदर सिंपली आपको जाना है एंड आपको एक वैर नाम, आई मीन वेरिएबल नाम का क्रिएट करना है। तो मैं इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, मैं रखता हूँ यहाँ पे H1 स्टाइल। उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट को पास कर रहा हूँ, तो H1 स्टाइल यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है, और सिंपली यहाँ पे मैं पास कर दे रहा हूँ H1 स्टाइल। उसे सेव करता हूँ, तो फिर भी हमारी जो वर्किंग एक्चुअल पहले थी वही वर्किंग हमारी अभी भी हो रही है। नाउ सेम थिंग हम इसके लिए भी करने वाले हैं, जो हमारा स्टाइल ऑब्जेक्ट है बटन, इंक्रीमेंट बटन के लिए। उसको मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स करता हूँ, इन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि वैर इंक बटन
और सिंपली इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ, ओके माय बैड, ये हमारा जो है एक ऑब्जेक्ट है उसको। अब क्या होगा कि ये इंक बैड नाम का बटन नाम का जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है उसे हम पास कर सकते हैं एज अ स्टाइल। और यहाँ पे हम इसे पास करते हैं और सेव करते हैं तो हमारी जो पहले वर्किंग थी वही वर्किंग हमारी अभी भी हमें शो हो रही है। नाउ सेम थिंग हम करने वाले हैं हमारे दूसरे बटन के लिए, बट इसकी हम क्या करेंगे सिंपली, लेट मी शो यू, ओके, वेयर डिक्रीमेंट बटन और इसे हम सेम वैल्यू पास करने वाले जो हमने, ओके माय बैड, ये वैल्यू तो ये हम पास करने वाले और बैकग्राउंड को यहाँ से हम क्या करने वाले चेंज करके यहाँ पे करता हूँ मैं इसे येलो और सेव करते हैं इसे। और उसके बाद हम क्या करेंगे इस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे डिक्रीमेंट वैल्यू के स्टाइल के लिए, तो डिक्रीमेंट बटन हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, सेव करते हैं। नाउ आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिक्रीमेंट बटन है वो चेंज हो चुका है। बट अभी यहाँ पे क्या मैं एक चीज़ और भी यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं बताऊँ आपको, तो हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया था स्प्रेड ऑपरेटर को, अगर आपने वीडियो चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ आप पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट करो ताकि बहुत से कंसेप्ट जो मैंने काफ़ी ऑसम कंसेप्ट आपके लिए प्रोवाइड कराया है आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर, जो हमारी इंक बटन है सेम प्रॉपर्टी हम इसको भी देने वाले हैं, तो हम क्यों ना उसी को यूज़ कर ले और इसको कॉपी कर देते इसके अंदर इंक बटन एंड। सिर्फ हमें एक चीज़ चेंज करनी है जो हमारी बैकग्राउंड है, तो उस बैकग्राउंड को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं। सिर्फ हमें बैकग्राउंड क्या पास करने वाले हैं हम यहाँ पे येलो सेव करते हैं ऐसे, अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं हमारी जो आउटपुट पहले थी वही आउटपुट हमें अभी भी आ रही है। नॉइस से मैं क्लोज कर देता हूँ कंसोल को, क्योंकि इसके प्लस और माइनस हो रहे हैं। अब इसको करने का फ़ायदा किया कि हम क्यों इसे कर रहे हैं, स्प्रेड ऑपरेटर क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब क्या करना है, अगर हमें इन दोनों के लिए अगर कोई कॉमन डिज़ाइन ऐड करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे इंक्रीमेंट जो हमारी बटन है उसके अंदर हम स्टाइल में ऐड करेंगे। लाइक अगर मैं बात करूँ पैडिंग की, मैं इसके अंदर पैडिंग ऐड कर रहा हूँ और पैडिंग में क्या करता हूँ 10 पिक्सल 10-20 पिक्सल। तो देख सकते हैं हमारा बटन जो काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, ऊपर से 10 पिक्सल हो गया टॉप एंड बॉटम से एंड लेफ्ट एंड राइट से हमारा क्या हो गया 20-20 पिक्सल। और इसमें इंक्रीमेंट कर सकता हूँ एंड इसे मैं डिक्रीमेंट कर सकता हूँ। ये काफ़ी सा सिंपल सा डिज़ाइन था, आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने स्पेसल्स के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अपने कंपोनेंट को या फिर अपने डिज़ाइन को कस्टमाइज कर सकते हो जो आपकी वेबसाइट होगी। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी एंड पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय।